नमस्ते, मैं हूं दीपा सिंह और आप देख रहे हैं हिंदू पोस्ट। मेवात हिंसा के बारे में सोशल मीडिया पर तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है। आइए समझते हैं कि आखिर इतनी हिंसक घटना की शुरुआत कहां से हुई। पिछले दिनों हरियाणा पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के आरोप में शैकुल खान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसकी बाद में अस्पताल में रेस्पिरेटरी इश्यूज के चलते डेथ हो गई। शैकुल खान की डेथ के बाद हरियाणा के मेवात क्षेत्र के मुस्लिम गुंडे जाबिर का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो भीड़ को पुलिस के टुकड़े टुकड़े करने के लिए उकसा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका मेवात साइबर क्राइम, फ्रॉड, गौ तस्करी का अड्डा है। जिस एरिया के गुंडे पुलिस और कानून के विरुद्ध आत्मरक्षा के कानून को हथियार बनाना जानते हैं, उनके जिहादी मानसिकता का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। मुस्लिम गुंडे जाबिर के तार मेवात की घटना से कहां जुड़ते हैं, ये हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या और कैसे हुआ। अगर CIA पुलिस किसी गांव में बिना इंफॉर्मेशन के घुसे, आपका मुकामी थाना ना रहे, हाथ पैर तोड़ दो, छिड्डी छिड्डी कर दो, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए धारा है। कह देना साहब गुंडे, हमें क्या पता, हमें क्या पता, स्टार थोड़ी लग रही है, माथे पे थोड़ा लिख रहा है, ये हमारी रक्षा करने के लिए आए, क्योंकि ये आतंकी बन चुके हैं मेरे भाई। मेवात के इसी क्षेत्र में स्थित है प्राचीन नल्लड़ शिव मंदिर, जिसकी बहुत मान्यता है। और आप और हम सब जानते हैं कि ये श्रावण का महीना चल रहा है, और इस महीने में प्रत्येक सोमवार को देश के सभी शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है, जलाभिषेक किया जाता है। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नल्लड़ शिव मंदिर में ब्रज मंडल 84 कोस यात्रा निकाली गई। दोपहर में जब यात्रा नल्लड़ शिव मंदिर नूह से फिरोजपुर झिरका की तरफ रवाना हुई, तब अचानक मुस्लिम कट्टरपंथियों ने लाठी डंडों और तलवारों से यात्रा पर हमला बोल दिया, गाड़ियों को तोड़ना और आग के हवाले करना शुरू कर दिया। प्रत्यक्ष दर्शियों की माने तो चारों तरफ गोलियां चलने का शोर था, बसों और कारों को जलाया जा रहा था। तो जान बचाने के लिए निहत्ते हिंदुओं ने मंदिर की तरफ भागना शुरू कर दिया, लेकिन हर जगह मुस्लिम उपद्रवी उपस्थित थे और पुलिस का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। गाड़ियों को जलता देखकर हजारों लोगों ने भागकर मंदिर में शरण ली। मंदिर के चारों तरफ पहाड़ है जहां से गोलियां बरस रही थी। गोलियों की बौछार में हजारों हिंदू नल्लड़ मंदिर में घंटों तक फंसे रहे। सुरक्षित अपने परिजनों तक पहुंचने की आस लिए ये लोग पानी को तरस गए, और महिलाओं की स्थिति तो और भी खराब थी। इन दंगों में दो होमगार्ड सहित मिठाई की दुकान पर काम करने वाले शक्ति सैनी और बजरंग दल के अभिषेक राजपूत की हत्या कर दी गई। शक्ति सैनी अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। शक्ति हलवाई की दुकान पर काम करने वाला एक निर्दोष अपने काम के लिए निकला था, लेकिन मुस्लिम उपद्रवियों ने उसे उसकी दुकान से घसीट कर निकाला और पीट पीट कर मार डाला। उसका रोता बिलखता परिवार बस यही पूछ रहा है कि उसने किसी का क्या बिगाड़ा था। वो बेचारे समझ ही नहीं पा रहे कि भारत में हिंदू होना इतना बड़ा अपराध कब से हो गया, जिसके लिए शक्ति को इतनी बेदर्द मौत की सजा मिली। इसी हिंसा का शिकार हुए प्रदीप कुमार, जो कि नल्लड़ मंदिर के पास हुए हमले में तो सुरक्षित बच गए थे, लेकिन 1 अगस्त को नूह पुलिस लाइन से घर जाने के दौरान मुस्लिम उपद्रवियों की भीड़ ने उन्हें घेर कर मार डाला। जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में हमने आपको मुस्लिम गुंडे जाबिर का एक वीडियो दिखाया था, जिसमें वो भीड़ को पुलिस के टुकड़े टुकड़े करने के लिए उकसा रहा था। ये वही लोग हैं जो साइबर क्राइम में गिरफ्तार एक अपराधी के सपोर्ट में पुलिस के विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रहे थे। अब उसका मेवात के दंगों से क्या कनेक्शन है? मेवात के इन्हीं दंगों के दौरान नूह के साइबर पुलिस स्टेशन को फूंक दिया गया। अब इसके पीछे क्या षड्यंत्र था? क्या उनको शैकुल खान की मौत का बदला लेना था, या साइबर क्राइम के सभी साक्ष्यों को नष्ट करना था? और यही था मुख्य उद्देश्य, क्योंकि पास्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जहां एक सोची समझी साजिश के तहत एक षड्यंत्र रचा जाता है, लेकिन उस षड्यंत्र के पीछे का मंतव्य कुछ और होता है। वेस्ट बंगाल में भी एक ऐसी ही घटना हुई थी। पश्चिम बंगाल का कालियाचक कस्बा भी मेवात की तरह गैर कानूनी गतिविधियों के लिए जाना जाता है,
और नशे के अवैध कारोबार नकली करेंसी के रैकेट का केंद्र है। 2016 में कालियाचक कस्बे में कमलेश तिवारी के विरोध में एक रैली निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में मुसलमान शामिल थे। जब पुलिस ने रैली को आगे बढ़ने से रोका तो उन्होंने कालियाचक पुलिस थाने और क्षेत्र विकास अधिकारी कार्यालय में तोड़फोड़ की और इन कार्यालयों में आग लगा दी, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, बीएसएफ और एनबीएसटीसी के वाहनों को जला दिया, 30 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। हालांकि इन दंगों को भी कम्युनल दंगों का स्वरूप देने का प्रयास किया गया, लेकिन बाद में हुई एक जांच में ये बात सामने आई कि वहां का प्रशासन इलाके में हो रही अफीम की खेती पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा था। उसी का बदला लेने के लिए थाने में आग लगाई गई और कई अहम सबूतों को जला दिया गया। इसी प्रकार की एक घटना 2022 में जून में कानपुर में हुई। नुपुर शर्मा के एक वक्तव्य के विरुद्ध कानपुर शहर में प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसके पीछे का मंतव्य था लैंड जिहाद का। 3 जून को कानपुर में भड़की इस हिंसा में मुस्लिम दुकानदारों ने बंद और जुलूस का आह्वान किया था। इस विरोध का समर्थन ना करने वाले हिंदू व्यापारियों को अपने शटर गिराने के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई, पथराव किया गया, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। लगभग 40 लोग इसमें घायल हुए थे जिसमें 10 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। बाद में एसआईटी की जांच से पता चला कि ये प्रदर्शन तो लैंड जिहाद की एक ढाल मात्र था। दरअसल मुख्य उद्देश्य था चंदेश्वर हाता पर कब्जा करना। मुसलमान बिल्डर्स जो थे वो चंदेश्वर हाता हासिल करना चाहते थे और वो वहां के हिंदुओं में इतना डर पैदा करना चाहते थे कि वो चंदेश्वर हाता खाली कर भाग जाए। सिमिलरली दिल्ली दंगों में भी क्राइम ब्रांच की जांच से पता चला कि अंकित शर्मा की हत्या के पीछे भी बहुत गहरी साजिश थी। अंकित शर्मा को विशेषकर ताहिर हुसैन के नेतृत्व करने वाली भीड़ ने टारगेट करके मारा था। मेवात हिंसा की भी अगर उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए तो मुस्लिम कट्टरपंथियों के असली उद्देश्य का पता चल पाएगा। लेकिन इस वक्त विदेशी और लेफ्टिस्ट मीडिया मेवात दंगों को इस्लामोफोबिया के झूठे कथानक रचकर सच को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर गुरुग्राम में स्थित अंजुमन मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद साद की मृत्यु की खबरें आपने भी देखी होगी। विदेशी मीडिया एक तरफा रिपोर्टिंग करते हुए मौलाना साद और एक मुस्लिम की दुकान के जलने के विजुअल्स दिखाकर कट्टरपंथी मुस्लिमों के हिंसक कांड को छुपाने और उन्हें विक्टिम बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो न्यूटन का सिद्धांत है, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ही, लेकिन केवल प्रतिक्रिया को दिखाकर मुसलमानों को विक्टिम बताना भारत और हिंदुओं के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ खड़े हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। हिंदुओं के विरुद्ध होते इन षड्यंत्रों के अपराधी केवल मुस्लिम कट्टरपंथी ही नहीं है, बल्कि अपने जवानों को मरता देख कर भी कुछ ना करने वाला प्रशासन और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति भी बराबर की भागीदार है। आप सभी से प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हिंदू पोस्ट। नमस्ते।